मंदसौर शहर में विद्युत मंडल मेंटेनेंस के नाम से विद्युत कटौती तो कर रहा है पर मेंटेनेंस का कार्य नहीं हो रहा है। विद्युत मंडल मेंटेनेंस का बहाना बनाकर विद्युत कटौती करता है लेकिन वास्तविक मेंटेनेंस कार्य नहीं होता। विद्युत मंडल द्वारा वर्षा और वर्षा के पूर्व मेंटेनेंस के नाम से कार्य किया जाता है और लाइट की कटौती की जाती है, पर अधिकांश स्थानों पर देखने में आता है कि पेड़ों की डालियां विद्युत मंडल के तारों पर देखी जाती है। कई स्थानों पर विद्युत मंडल द्वारा लगाई गई डब्बी भी खुली नजर आती है। ऐसे में बड़ी घटना होने की संभावना होती है। इस स्थिति में विद्युत करंट का रिजर्व या दुर्घटना होने की स्थिति बनी रहती है। विद्युत मंडल द्वारा मेंटेनेंस के दौरान लाइट बंद की जाती है ताकि काम सुचारू रूप से हो सके, लेकिन कई बार पेड़ों की शाखाएं तो तारों के करीब आ जाती है जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में उचित मेंटेनेंस और सफाई की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। मेंटेनेंस का कार्य कहाँ तक सही हो रहा है, वही विद्युत मंडल के सहायक अधिकारी का कहना है कि हमारे द्वारा वर्तमान में 11 KV पर कार्य किया जा रहा है। विद्युत मंडल द्वारा क्षेत्रवार मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है तो 440 वोल्टेज लाइट के तारों पर कार्य क्यों नहीं किया जा रहा? विद्युत मंडल द्वारा अधूरा कार्य क्यों किया जाता है? 440 वोल्ट लाइनों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, इसी समय पर देखना जरूरी है। स्थानीय अधिकारी को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि दोनों स्तर पर विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से रहे। मंदसौर से अकरम अंसारी की रिपोर्ट। अभी वर्तमान में मंदसौर शहर में 33 KV लाइनों का संपूर्ण मेंटेनेंस कार्य पूर्ण हो चुका है। 11 KV लाइन का कार्य, 11 KV लाइन के संधारण का कार्य लगातार हम एक प्लांट वे में सुबह 8 से 12 12:30 बजे तक हमारी टीम रोज कर रही, रोज एक एक फीडर का मेंटेनेंस किया जा रहा है। और LT लाइन में आपने, आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि LT लाइन में कहीं कहीं झाड़ियाँ आपने मुझे वीडियो के माध्यम से बताई है, तो हम उसको तत्काल टीम भेजकर एक या दो दिन में हम उसको सही पूरा इंटेक्ट करते हैं। मेरा अनुरोध यह है कि हम लगातार हम हमारे स्टाफ को निर्देशित ये करते हैं और हमारे स्टाफ की संज्ञान में भी है। लगभग मंदसौर शहर में टोटल 550 DTR है, लगभग 550 ट्रांसफार्मर से विद्युत का प्रदाय संपूर्ण शहर में होता है। हो सकता है कि एक दो कहीं खुली रह गई हो, तो मैं पुनः मेरे स्टाफ को निर्देशित करूंगा कि जैसे ही कार्य हो उस ट्रांसफार्मर का ढक्कन तत्काल बंद कर दें ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो।